वेलकम टू यूट्यूब, जो हमारा ग्रीन चैनल है, ग्रीन साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा कैम प्लांट था। बेसिकली ये एक विशेष प्रकार के प्लांट है। अभी तक हमने C4 C3 प्लांट पढ़े हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है कैम प्लांट। तो कैम प्लांट नाम एक बहुत अलग सा नाम लग रहा होगा आपका। इसका अर्थ होता है फेसुलियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट। तो ये प्लांट बेसिकली मरुस्थल में मिलते हैं, जीरोफिटिक कंडीशंस में मिलते हैं, जैसे हमारा राजस्थान एरिया भारत में, या हिल्स एरियाज में मिलते हैं जहाँ पर पानी की बहुत सारी कमी होती है, वहाँ पर ग्रो करते हैं। और ये प्लांट्स जो हमारे बेसिकली नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग होते हैं। इन प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस की फिजियोलॉजी है वो उन प्लांट से डिफर होती है। इन प्लांट में सामान्यतः हम बात करें कि इनमें जो वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो जो फोटोसिंथेसिस में नॉर्मली प्लांट में, हमारे C3 C4 प्लांट में दिन के समय फिक्सेशन होता है, लेकिन जो जीरोफिटिक प्लांट है कुछ विशेष A plant that utilizes the Fusulium acid metabolism as adaptation for arid condition. तो basically देखा जाए, जो हम बात कर रहे थे Fusulium acid metabolism, एक विशेष प्रकार की metabolism है जो arid condition में पाए जाने वाले plant में arid condition के प्रति adaptation, अनुकूलन उत्पन्न करने का काम करती है, यानी कि पौधों को वहां रहने के अनुकूल बनाती है। ये कैम या Fusulium acid metabolism, CO2 entering the stomata during the night converted into organic acid। तो जो CO2 stomata के अंदर जाती है वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है रात के समय, विच रिलीज CO2, और CO2 रिलीज होती है जो दिन के समय कैल्विन साइकिल में यूज हो जाती है जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो इस तरीके का विशेष प्रकार का प्रोग्राम इसमें चलता है। तो कैम को अगर देखा जाए, पूरा नाम बता चुका हूं मैं, Fusulium acid metabolism, यानी कि एक कार्बन को फिक्सेशन करने का एक विशेष प्रकार का मेथड है जो इन प्लांट्स पाया जाता है, जिन्हें हम कैम प्लांट्स कहते हैं। इन मोस्ट प्लांट स्टोमेटा विच आर लाइक टेनी माउथ and take in oxygen all along the surface of their leaves upon during day take in the CO2 and release CO2. तो अधिकांश प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं उनका माउथ जो होता है टैनी होता है, और ये ऑक्सीजन लेते हैं लीव सरफेस से और दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 को रिलीज कर देते हैं। Plants must take in the CO2 because they use as a source for carbon atom, build sugar, protein, nucleotides and other building block of life. तो plants जो CO2 लेते हैं वो किसका सोर्स है, उससे क्या चीजें बनती है। इसे पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो फोटोसिंथेसिस में हमारी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें CO2 का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बेसिकली CO2 का फिक्सेशन है, और CO2 से जो कार्बन आइटम है उससे बहुत सारी चीजें बनती है, शुगर बनती है, प्रोटीन बनती है, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं जो हमारी लाइफ के लिए आवश्यक है। और वहीं पर दे मस्ट आल्सो रिलीज O2 विच इज बाय प्रोडक्ट दैट लेफ्ट ओवर आफ्टर द कार्बन आइटम फॉर CO2 बीन इनकॉर्पोरेटेड शुगर। तो इस प्रोसेस में O2 उत्पन्न होती है और CO2 जो है हमारी शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें इन प्लांट्स के बारे में, सब बताया हूं जो प्लांट्स मैं बता चुका हूं शुरू में कि ये प्लांट हमारे जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। इनमें एक जो लीफ होती है थिक होती है, लो सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम रेशियो लो होता है, थिक क्यूटिकल होती है और स्टोमेटा संकीर्ण होते हैं, छिपे रहते हैं। कैम प्लांट्स यूटिलाइज एंड एलेबोरेट कार्बन फिक्सेशन पाथवे इन अ वे दैट द स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट टू परमिट इंटर CO2 टू फिक्स एंड स्टोर एज 4 कार्बन एसिड। तो कैम प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का एक पाथवे है। इसके पाथवे में स्टोमेटा इसमें रात के समय ओपन होते हैं और उसी समय इनके अंदर CO2 इंटर करती है और वो बाद में प्रोसेसिंग के थ्रू कोर कार्बन कंपाउंड में बदल जाती है, यानी कि मैलेट बनाती है। देन ड्यूरिंग द डे CO2 इज रिलीज्ड फॉर यूज इन केल्विन, और दिन के समय ये CO2 जो रिलीज है केल्विन साइकिल, यानी कि लीफ के अंदर ही C3 साइकिल चलती है उसमें यूज हो जाती है। इन दिस वे द रुबस्को इज प्रोवाइड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और रुबस्को को CO2 हाईली कंसंट्रेटेड CO2 प्राप्त होती है। वाइल द स्टोमेटा क्लोज, और दिन के समय स्टोमेटा क्लोज होते हैं, द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द डे प्रिवेंट टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, और स्टोमेटा क्लोज होने के कारण दिन के समय में एक्सेस वाटर लॉस होता है वो बचा रहता है, पानी बच जाता है लेकिन बाकी प्रोसेस चलता रहता है। कैन प्लांट्स आर देयरफॉर हाईली एडेप्टेड इन एयर कंडीशन, ये हाईली एडेप्टेड होते हैं एयर कंडीशन पर। मोस्ट प्लांट ओपन द एस्टोमेटा ड्यूरिंग द डे बिकॉज दे वेन एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। अब अधिकांश प्लांट में देखा जाए कि दिन के समय एस्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि ये रिसीव सूर्य के प्रकाश से रोशनी से एनर्जी को रिसीव करते हैं। द एनर्जी फ्रॉम सन इज हार्वेस्टेड बाई क्लोरोप्लास्ट यूज्ड मेक एटीपी एंड एडीपी। तो हम बात करते हैं कि सनलाइट जो मिलती है, इसमें बात की थी कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है क्लोरोप्लास्ट को। तो इन प्लांट्स में भी क्या होता है कि सनलाइट जो हार्वेस्टेड करता है क्लोरोप्लास्ट, उसका जो काम होता है वो क्या करता है एटीपी और एनएडीपी के बनाने में यूज हो जाता है। दीज शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल देन यूज टू पावर फिक्सेशन ऑफ कार्बन इन टू शुगर, और जो एनर्जी बनती है यही जो शॉर्ट टर्म एनर्जी बनती है यही एनर्जी मॉलिक्यूल जो है कार्बन के फिक्सेशन में पावर के रूप में यूज हो जाते हैं और जिससे कार्बन से शुगर का निर्माण होता है। इन प्लांट्स लिविंग अ वेरी ड्राई एनवायरनमेंट हाउएवर द डेंजरस अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट इफ द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई डे। लेकिन इन प्लांट्स में देखा जाए एनवायरनमेंट हमारा बहुत ड्राई होता है, पानी बहुत डेंजरस लेवल से भी कम हो जाता है और ओपन जो स्टोमेटा है ड्यूरिंग डे टाइम में हॉट बहुत जगह पर खुल जाते हैं। ड्यूरिंग द नाइट विच टेंड टू द मच कलर इन द कूलर इन मच एनवायरनमेंट फॉर लेस वाटर लॉस बाय द ओपनिंग स्टोमेटा। रात का समय होता है तो उस समय हमारा जो टेम्परेचर एनवायरनमेंट होता है वो कूल हो जाता है दिन की अपेक्षा और कम वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा के होने पर। तो देखा जाए जो कैम्प्लांट्स होते हैं इनमें थ्री साइकिल चलती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम्प साइकिल, क्रिसिलियन एसिड मेटाबोलिज साइकिल इसमें चलती है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या होता है तो C3 साइकिल बिकॉज CO2 फिक्सेशन कार्बोनेट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड बाय फिक्सेशन रिबोस्को, जब रिबोस्को एंजाइम के द्वारा कार्बन का फिक्सेशन होता है तो 3 कार्बन कंपाउंड के रूप में होता है और ये रुबस्को के द्वारा होता है। रुबस्को कहाँ होती है जब केल्विन साइकिल के थ्रू प्रोसेसिंग होती है तब इसमें C3 कंपाउंड रूप में जो होती है वो हमारी कार्बन फिक्स हो जाती है। मोर इफिशियंट दैट C4 कैम इन द कोल्ड मॉइस्ट क्लाइमेट फोटोस, और ये फोटोरेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। अगला क्या है कार्बन साइकिल अकर्स इन न्यूट्रोफिल सेल्स। अब हम बात करते हैं कैम प्लांट्स में, टेकिंग CO2 रुबस्को प्रेजेंट द साइट लाइट रिएक्शन न्यूट्रोफिल सेल्स। स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम ओपन एट नाइट टाइम CO2 स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड। तो जब स्टोमेटा क्लोज और ओपनिंग का समय चेंज है तो इसमें बेटी CO2 जो फिक्स होती पहले वो एक ऑर्गेनिक एसिड के रूप में फिक्स होती है फोटोसिंथेसिस में यूज होने से पहले, और फिर एसिड ब्रेक डाउन होता है दिन के समय और उसमें क्या होता है रुबस्को रिलीज होती है। और इसमें जो क्रिसुलिन प्लांट्स होते हैं बेसिकली इनमें फोटोरेस्पिरेशन कभी भी नहीं होता है। इसमें जो क्रिसुलिन स्पीसीज में जो एसिड मेटाबोलिज्म होती है क्रिसुलिन एसिड मेटाबोलिज्म विशेष प्रकार की मेटाबोलिज्म पाई जाती है इसमें। अब इसके बाद C4 साइकिल भी चलती है जो हैच एंड सेलेक्ट ने की थी। फोटोसिंथेसिस अकर्स विद स्टोमेटा पार्शली और कम्प्लीटली क्लोज और हॉट और ड्राई डे, जब स्टोमेटा दिन के समय क्लोज होते हैं तब इसमें C4 साइकिल चलती है। C4 बिकॉज द CO2 फिक्स कार्बोनेट 4 कार्बन कंपाउंड, यानी कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है 4 कार्बन कंपाउंड के रूप में होता है। फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज फास्टर देन CO2, इसमें जो C4 साइकिल होती है
इसमें जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो C3 साइकिल के अपेक्षा तेजी से होता है, और इसमें जो ऑटोबस को है वो डायरेक्टली यूज हो जाता है इसमें। और जब PEP कार्बोक्सिलेज पार्ट जो है एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है इसमें CO2 के उसमें फिक्सेशन में, डिलीवर्ड CO2 डायरेक्ट टू रिबोस्को फॉर फोटोसिंथेसिस, और वो डायरेक्ट CO2 जो रिबोस्को को दे देता है, फोटोरेस्पिरेशन होता है और सील्डम में यूज होता है। तो इस तरीके से इसमें कैम प्लांट्स में C3 C4 तीनों साइकिल में पाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ कंबाइंड सन एनर्जी CO2 फॉर एयर, कैम प्लांट्स टेक इनटू CO2 एट द नाइट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड वैलेंट। इस तरीके से कैम प्लांट में जो रात के समय जो CO2 यूज होती है और स्टोर होती है, और उसके बाद 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसे मैलेट कहते हैं। देन द मैलेट इज रिलीज ड्यूरिंग डे टाइम, और मैलेट दिन के समय रिलीज हो जाता है। वेयर कैन बी कंबाइंड विद द ATP NADPH क्रिएटेड बाय सन, और इसमें से क्या होता है, ये ATP और NADPH जो एसिमिलेटरी पावर होती है उसके साथ ये शामिल हो जाता है, और ये आती कहाँ से है, सनलाइट से आती, सन एनर्जी आती है। दिस अलाउ द प्लांट टू कंजर्व देयर वाटर बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग हॉट डे टाइम। इससे क्या होता है कि दिन के समय स्टोमेटा हमारे क्लोज रहते हैं और उनसे वाटर लॉस नहीं होता है, पानी बचा रहता है, इससे वाटर का कंजर्वेशन होता है प्लांट के अंदर। द नेम क्रेसुलियन ऐसा मोटिव कम फ्रॉम द क्रेसुला प्लांट। तो क्रेसुलियन ऐसे मेटाबोलिज्म जो शब्द आया है, एक क्रेसुला प्लांट है जिसमें सबसे पहले जो हमारी कैम मेटाबोलिज्म इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको नाम रखा गया क्रेसुलियन मेटा। यहाँ भी देख सकते हैं कैसे कैसे हमारा प्रोसेस काम करता है। स्टोमेटा ओपन होते रहते हैं, CO2 अंदर आती है, उस CO2 को जो इसके अंदर रिसीव करते हैं वो PEP हमारा एंजाइम होता है, वो इसको रिसीव करता है और वो ऑक्सीजन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो मैलेट में होता है, और मैलेट एक्शन जो होता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब काम कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट में C4 साइकिल के अंदर चल रहा होता है। इस तरीके से म्यूजिबल सेल में प्रोसेस हमारा होता है डे और नाइट टाइम में। स्टेप ऑफ कैम फोटोसिंथेसिस, स्टेप में कौन कौन से फोटोसिंथेसिस स्टेप होते हैं। कैम फोटोसिंथेसिस बीइंग अ नाइट, यानी कि रात के समय होती है फोटोसिंथेसिस, व्हेन द प्लांट स्टोमेटा ओपन एंड CO2 गैस इज एबल टू डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ कैम मेसोफिल, यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये रात के समय होती है। इसमें रात के समय प्लांट के स्टोमेटा ओपन होते हैं, और उस स्टोमेटा को ओपन होने से CO2 उसके अंदर इंटर करती है, और अंदर जब इंटर करती है तो कैम प्लांट्स जो होते हैं उनके जो मेसोफिल सेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म, उनके से CO2 डिफ्यूजन के द्वारा अंदर चली जाती है। द साइटोप्लाज्म दो सेल CO2 मॉलिक्यूल्स इनकाउंटर हाइड्रोक्सिल आयन, और उससे इनकाउंटर होता हुआ चल दे कंबाइन विद बिकम, और जो अंदर जाने के बाद वाटर के साथ मिलकर HCO3, और जिसमें काम कौन करता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो काम करता है इसके तरह में HCO3 का होता है। और साइटोप्लाज्म कैम में बताई जो किस तरीके से काम करते हैं, PEP एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिसीव करता है मॉलिक्यूल को, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से हमारे रात के समय स्टोमेटा CO2 रिसीव करता है। तो CO2 रिसीव करने वाला आप देख सकते हो, PEP एंजाइम जो है इसमें रिसीव करता है, फिर मैलिक एसिड बदलता है, मैलिक एसिड से फिर यहाँ पर रिलीज करने के बाद फिर क्लोरोप्लास्ट वापस चला जाता है कार्बन साइकिल, और दूसरा स्टेप क्या है हमारा, पहले स्टेप में HCO3 का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, द PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन इन एडिट CO2 टू अ मॉलिक्यूल कार्बन फॉस्फोफिनॉल पर, और इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल जुड़ जाता है CO2 का, और ये फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है P+HCO3 ऑक्सलो एसीटेट बना देता है। ऑक्सलो एसीटेट देन रिसीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है एंड बीकम मॉलिक्यूल अ मैलेट, और फिर ये ऑक्सलो एसिटिक से मैलेट भी बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज बाय द एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजनेज MDH, द रिएक्शन लुक्स लाइक, और इस तरीके से रिएक्शन मिलती है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, इसके साथ NADPH जुड़ता है और MADH, और फिर ये मैलेट और NADPH का निर्माण करता है। द इंटरेस्टिंग मैलेट डीहाइड्रोजनेज कैटालाइज द रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीनिंग दैट कैन आइदर एड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सलो एसिटिक एसिड और टेक इलेक्ट्रॉन बे
फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ मैलेट, या तो उसमें ऐड करेगा ऑक्सैलिक एसिड में या मैलेट आयन से एक लट्टा फूट देगा। मैलेट इज नाउ स्टोर्ड इन द वैक्यूल, और जो हमारा मैलेट है वो स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स के अंदर इन द प्लांट साइज के अंदर एंटिल सनराइज एंड फोटोसिंथेटिक, और जैसे सनराइज उसमें होता है वैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है। व्हेन द हैपिन मैलेट इंटर द कैल्वियन साइकिल, और ये मैलेट आयन जो है मैलेट जो इंटर कर जाता है कैल्वियन साइकिल में, जस्ट लाइक C3 फॉस्फोग्लिसराइड वुड प्लांट यूजिंग द 3 कार्बन C3 पाथवे के बाद कंजम्पशन, और फिर जो है हमारा जो कार्बन है वो C3 साइकिल के द्वारा हो जाता है। अभी हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैक्टाई, अगेब, क्रेसुली, क्लूसिया, पेरेटेंस, ऑर्किड्स, पाइनएपल, मोरंगा, यूफोर्बिया, तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे कैम प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। कैक्टस सारे हैं देख सकते हैं, कैक्टस के बहुत सारे स्पीसीज हैं और कैम प्लांट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये